एकाएन क्लॉ पड़ा था वहां पर एरिक रोवन द्वारा, ये वापस है सुपरमैन पांच एरिक रोवन को लूक हार्पर को एक थ्रो थ्रस्ट। ये मुझे नहीं लगता कि यहां पर डैनियल ब्रायन को बचाने आए हैं, ये बदला लेने आए हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस का। हार्ड ड्राइव बाय के बाद एक मुंह पर लात रोमन रेंस को, नंबर्स गेम यहां पर लूक हार्पर बताते हुए क्यों है वो क्लच एंड फाई के हिस्सेदार। सीढ़ी पर फेंक दिया रोमन रेंस को और अब रोमन रोवन और लूक हार्पर रोमन रेंस को अपनी जगह बताते हुए। ठीक है, अभी भी वो सवाल का जवाब नहीं मिला कि इन्होंने क्यों किया था रोमन रेंस पे हमला और यहां पर सीधा रिंग पोस्ट पे। प्रदीन, क्या आपको पता चला है कि अभी तक एरिक रोवन ने क्यों किया था रोमन रेंस पे हमला? ये जो बात है डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती, इज्जत नहीं मिलना, ये सब बकवास है जी। नहीं, वो हमेशा उन्हें पीछे खड़ा कर दिया जाता था। डैनियल ब्रायन उन्हें पीछे खड़ा करते थे, ब्रे वायट उन्हें वायट फैमिली में अपने पीछे खड़ा करते थे, तो वो हमेशा से पीछे खड़े होते हैं। उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी यहाँ पर लूक हार पर सिक्योरिटी के ऊपर भी वार करते हुए। आप देखिए ताकत ब्लजन भाई की, रोवन को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था इसलिए उन्होंने ऐसा किया और ये सब जायज है उस मैट के ऊपर जिसे एक्सपोज किया गया है। बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट होता है अगर मैट के नीचे वाले हिस्से पे किसी को पटका जाए और यहाँ पे वही कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये तैयारी कर रहे हैं रोमन रेंज को पटकने की। बिल्कुल गलत है यहाँ पे इनके एरिक रोवन और लूक हार्पर इस तरह की हरकत जो कर रहे हैं। यहाँ बड़े हीरो बनकर आए थे यहाँ पर बिग डॉग, अब शायद वो जीरो बनकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ब्लजन भाई मिलकर सजा दे रहे हैं। ये देखिए आप बैरिकेड के एक हिस्से के ऊपर हथियारों का इस्तेमाल करना ब्लजन भाई को बहुत अच्छे से आता है, हमने देखा है, इतिहास गवाह है। पूरा का पूरा टाइम कीपर एरिया को इन्होंने उठा के रोमन रेंज पे फेंक दिया और यहाँ पे अनाउंसर टेबल को क्लियर किया जा रहा है। क्या चाहते हैं ये, किस तरीके का दर्द पहुंचाना चाह रहे हैं रोमन रेंज पर, क्यों? सबसे बड़ा सवाल क्यों? अब ये तो केवल शुरुआत है और किसी में भी हिम्मत नहीं है, ना रेफरी, ना ऑफिशियल, ना सिक्योरिटी की कोई भी ये दोनों सुपरस्टार्स को रोके, लूक हार्पर और एरिक रोवन को रोके। यहाँ पर डैनियल ब्रायन के पर वापस से एक वार होने वाला है, सब दूर होते हुए लूक हार्पर वहां पर हुल देकर, जी हाँ डैनियल ब्रायन के ऊपर जंग का ऐलान हो चुका है। जंग का ऐलान सिर्फ दो लोगों ने मिलकर किया, याद रखिएगा। डबल टीम यहां पर डैनियल ब्रायन बहुत ही ज्यादा दर्द में कपकपाते हुए, इतने दर्द में। गलती करी थी शायद डैनियल ब्रायन ने दोस्ती करके रोवन के साथ। We will not be disrespected.